नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना न्यू अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 2024 का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे घर बैठे ओपन कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आप सभी को लाइव करके दिखाऊंगा और कौन सा अकाउंट आपको खोलना है वो भी पूरा बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक नहीं करिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको अपने फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप चाहो तो क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी इजीली आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप आओगे, सिंपली सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है चूज योर अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आपको जो कि दो तीन तरीके के अकाउंट शो करेंगे, पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आप अपना है जो कि फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, यानी कि अकाउंट खोलने में आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज ना लगे और एक बार की वेलकम किट है जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिले, तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये जो BOB ब्रो सेविंग अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है जो कि आपको खोलना होगा। बात करें इसमें क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एक मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है और एक ईमेल आईडी, इन सब चीज़ों के माध्यम से है जो कि आपका ये वाला अकाउंट है जो कि ओपन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चेक करें, आप यस वाले निशान पे टिक कर दें। जैसे आप यस क्लिक करते हो, उसके बाद जो कि आप आगे के प्रोसेस की तरफ चले जाते हो और आप जो अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो वो बिल्कुल जीरो बैलेंस रहेगा, कोई प्रकार की कोई चार्ज आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी परमिशंस मांगते हैं आप यहाँ पे अलाउ कर दोगे, जो भी लोकेशन, माइक्रोफोन, और यहाँ पर आपको अपने जो कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, हम यहाँ इंग्लिश में कर रहे हैं प्रोसेस, तो प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पर सिंपली। और उसके बाद जो कि यहाँ पर आप आ जाते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना होगा अपना वो मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड के साथ पहले से लिंक हो। तो आप जैसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे OTP सेंड किया जाएगा, तो आप यहाँ पे जो कि OTP वगैरह भर दोगे, उसके बाद अपनी है जो कि ईमेल आईडी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको चार पांच ये बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो इन सब पे जो कि आपको टिक है जो कि लगा देना होगा। जितने भी पांचों बॉक्स दिख रहे हैं इस पे आपको जो कि टिक लगा देना होगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो टिक लगाने के बाद देखिए आपको नीचे की तरफ आना होगा, यहाँ पर ये आपको डिक्लेरेशन दे रखी है, तो इन सबको भी है जो कि आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना होगा, जो ब्लू लिंक दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से, जो कि अपने टर्म एंड कंडीशन को जो कि एक्सेप्ट आप कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टर्म एंड कंडीशन इनके एक्सेप्ट कर ली है, उसके बाद सिंपली आप है जो कि नेक्स्ट वाले बटन पे अपना क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो आप फिर से है जो कि नेक्स्ट पेज पे आ चुके हो। अब यहाँ पर आपको डालना होगा अपना कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपको डालना होगा यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर, तो जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर हो यहाँ पर एंटर करें, 10 डिजिट का पैन नंबर, और जो नाम आपका है जो कि पैन कार्ड पे लिखा है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख दे, और अपने DOB फिलअप करके नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड है जो कि वेरीफाई हो गया है, पर ग्रीन टिक आ गया है। उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पे कंसेंट देना होगा, OTP का कंसेंट, तो आपका जो भी है कंसेंट यहाँ पे आप एग्री कर लोगे और आपकी बैंक डिटेल्स है जो कि मैच करेंगे ये लोग आपके डॉक्यूमेंट से, तो ये सब चीज़ें आपको टिक कर लेना होगा। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, अब आपका है जो कि वेरिफिकेशन के लिए आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा, तो OTP आप अपने फ़ोन में से देखोगे और यहाँ पर है जो कि आपको OTP है जो कि फिलअप करके सिंपली है जो कि नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक कर दोगे। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल्स है जो कि मैच करी जा रही है, आपका जो भी आधार कार्ड में डिटेल्स है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका है जो कि नेम वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ है जो कि यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को जो कि चेक कर लेना होगा एक बार, और सीधा है जो कि आप सब चीज़ चेक कर लेते हो तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाना होगा स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जो कि आपके आधार एड्रेस से मैच करता है, तो हमारा मैच करता है तो हम यस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर है जो कि आपको अपनी ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करनी होगी, कुछ लोग हैं जो कि यहीं पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे गलत ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जिसमें आप अपना ब्रांच में जाके काम वगैरह करना चाहते हैं, यानी कि पैसे जमा, पैसे निकालना या कोई भी लेन देन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो अपने घर की सबसे नज़दीक की ब्रांच यहाँ पे चुनें जो भी आप प्रेफर करते हो। उसके बाद देखिए आपका BOB जो ब्रो सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पे पहले से सेलेक्ट है प्रोडक्ट में, और आप प्रोसीड कर दोगे यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हो अब आपका जो कि प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब जो कि आपकी एप्लीकेशन में आपको है जो कि अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी,
जैसे कि अपना फादर्स नेम और यहाँ पर अपना मदर नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप वो चुनोगे, अपना रिलीजन। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन अपना है जो कि ग्रॉस एनुअल इनकम, आपकी एक्सपेक्टेड टर्नओवर और सोर्स ऑफ इनकम, तो ये सब चीज़ें आप अपने आप है जो कि फिलअप कर दोगे। उसके बाद है जो कि आपको है सिंपली है जो कि नीचे की तरफ आ जाना होगा स्क्रॉल डाउन करते हुए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको है जो कि अपना मैरिटल स्टेटस चुन लेना होगा, आप शादीशुदा है, सिंगल है। उसके बाद अगर आप अकाउंट में नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पे टिक रहने देंगे और अपने नॉमिनी की रिलेशन टाइप भर देंगे, जैसे कि किस टाइप का आपका रिलेशन है नॉमिनी के साथ, अपने नॉमिनी का नाम भर देंगे आप। और उसके बाद है जो कि आप यहाँ पे भर दोगे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरीके से है जो कि आप ये अपने नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करोगे। उसके बाद है जो कि आपको नीचे की तरफ आना होगा, तो यहाँ पर आपने नॉमिनी की जैसी डिटेल्स वगैरह भर दी, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है क्या आपका जो डिटेल्स है मतलब एड्रेस है वो नॉमिनी के साथ मैच करता है। तो आप अगर नॉमिनी और आप एक ही एड्रेस पे रखते हो तो इस बॉक्स पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एड्रेस फिल हो जाएगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप जो कि क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हो अब आपको जो कि नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो कि वेट कर लेना होगा। तो उसके बाद देखिए अब आपसे है जो कि पूछ रहा है आपकी एडिशनल सर्विसेज, यानी कि यहाँ से है जो कि आपको जो जो सर्विसेज चाहिए वो आपको टिक कर लेनी होगी, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग और जो भी है नेट बैंकिंग, जो जो चाहिए आपको सब कुछ आप जो कि यहाँ पे टिक लगा दोगे। तो मेरे को जो जो चाहिए मैंने वो सब चीज़ें जो कि टिक कर ली है, यहाँ पर देख लीजिए, और आपको भी जो जो चीज़ चाहिए वो टिक कर लोगे। और उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को जो कि एग्री करना होगा, जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपसे पूछी जा रही है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा यहाँ पे क्लिक। तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए आपके एप्लीकेशन का है जो कि प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो रहा है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन है अकाउंट से रिलेटेड, तो सब कुछ एक बार है जो कि क्रॉस चेक कर लें आप कि सब कुछ सही डिटेल्स है या नहीं है, अपना नॉमिनी डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम और भी सारी डिटेल्स, और सब कुछ ठीक लग रहा है आपको तो उसके बाद है जो कि आप नीचे आओगे सीधा सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे है जो कि क्लिक यहाँ पे आपको करना होगा। तो सबमिट करते ही आपके सामने देख लीजिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। अब आगे की तरफ देखिए आपका प्रोसेस है जो कि हो चुका है आपको, तो अब आपको जो कि कंटिन्यू करना होगा, यहाँ पर अपनी वीडियो KYC है जो कि शेड्यूल करनी होगी, तो जिस भी तारीख को आप फ्री है उस टाइम पे है जो कि आपको सेलेक्ट कर लेना होगा अपना स्लॉट। अवेलेबल स्लॉट यहाँ पे आपको दिखा रहा है और देख लीजिए डेट मैंने सेलेक्ट कर रखी है, अवेलेबल स्लॉट में जिसमें मैं KYC करना चाहता हूँ वो सेलेक्ट कर लूँगा। और ये सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कि डन वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक कर देना होगा, जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए थैंक यू, तो बुकिंग आपकी कन्फर्म हो गई है यहाँ पर देख लीजिए 15 मई की। तो उसके बाद है जो कि आपको इस टाइम पे ऑनलाइन आना होगा और जैसे ही आपकी बुकिंग कंफर्म होती है आपकी ईमेल आईडी पे है जो कि एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जिस तारीख को जिस टाइम को आपने जो कि सेलेक्ट कर रखा है उस टाइम पे जो कि उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप जो कि डायरेक्टली वीडियो KYC वाले पेज पे आ जाओगे और वहां से आप अपनी वीडियो KYC कर सकते हो। वीडियो KYC करने के लिए आपको चाहिए बस अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, एक पेन और एक पेपर, आपसे कुछ सवाल जवाब करे जाएंगे थोड़े बहुत नॉर्मल से और आपके पैन कार्ड वगैरह देखा जाएगा और आपकी जैसी KYC कंप्लीट हो जाती है 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर आपका है जो कि अकाउंट नंबर आपको मेल पे प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद 10 दिन के अंदर आपकी वेलकम किट भी आपको मिल जाएगी जो कि आपके घर पे बाय पोस्ट डिलीवर हो जाएगी। तो यही एक छोटा सा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का बैंक ऑफ बड़ौदा में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।